हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फूड डेलिकेसी। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार क्रैब करी। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए हमें क्या चाहिए देख लेते हैं। तो पहले मैंने क्रैब को बॉईल कर लिया है, ये मुझे साफ़ करके ही शॉप से मिला था। मैं इसे बॉईल कर लूँगी हल्के से नमक देकर, ताकि इसके सारे इम्प्योरिटीज़ गंदगी सब साफ हो जाए। तो इसे हम 5 से 6 मिनट ऐसे ही बॉईल करेंगे और फिर गर्म पानी निकाल कर ठंडे पानी से इसे अच्छे से वॉश करेंगे घिस घिस कर, क्योंकि ये क्रैब बहुत मिट्टी में रहती है तो हम नहीं चाहते कि हमारी सब्ज़ी में मिट्टी आए, इसलिए अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद ये देखिए हमारा क्रैब रेडी है। तो आइए अब इसकी करी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम देख लेंगे इसमें और हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए हमें कटी हुई प्याज, करी पत्ता, टमाटर, ये कटे हुए प्याज, मैंने 3 प्याज लिए, करी पत्ता, 2 टमाटर, 1 आलू, ये धनिया पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर है और ये है जीरा पाउडर, वो गरम मसाला, और ये है लाल मिर्च। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। हमने कढ़ाई गरम किया और उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किए। अब इसमें हम डाल देंगे साबुत ज़ीरा। मैंने इसमें अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी डाला था जो मैं शूट करना भूल गई, वो हम डालेंगे प्याज और टमाटर के बाद। तो ज़ीरा के बाद अब हमने इसमें डाल दिया प्याज, और प्याज देखिए फ्राई करने के बाद ये रेडी है। अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। मैं करी पत्ता डायरेक्ट तेल में नहीं डालती, मुझे ऐसे ही इसकी स्वाद अच्छी लगती है प्याज के साथ फ्राई करके। अब देखिए इसके बाद हमारा प्याज रेडी है ऑलमोस्ट फ्राई करके, तो हम इसमें आलू डाल देंगे ताकि ये प्याज के साथ ही थोड़ा फ्राई हो जाए और हल्का हल्का पक भी जाए। आलू ऑप्शनल है, आप चाहो तो ना भी डालो, मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ। देखिए आलू प्याज सब रेडी है, ऐसे में हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया और अब ये टमाटर मेल्ट होने तक हम इसे धीमी आंच में फ्राई करेंगे। टमाटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, ऐसे में हम इसमें डाल दिए नमक, हल्दी पाउडर, ये डाल दिए हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और धीमी आंच में पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम ज़ीरा पाउडर, ये रह गया थोड़ा, इसे भी हम डाल देंगे, ये गया ज़ीरा पाउडर। उसके बाद धनिया पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर, ये डाल के सबको एक साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने सिम ही रखा है गैस ताकि मेरे मसाले जले नहीं और अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए तेल छोड़ चुका है मसाला हमारा, अब हम इसमें क्रैब मिक्स कर देंगे जिसे हमने अच्छे से बॉईल करके साफ करके रखा था। अब क्रैब को मिक्स करेंगे और फिर से हम सिम में ही थोड़ी देर इसे पकने देंगे। सिम में अच्छे से हल्के हल्के करके हम फ्राई करेंगे। ये देखिए लगभग फ्राई करके रेडी है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। याद रखिए गैस हमारा अभी भी सिम है,
ढकने के बाद ये 5-10 मिनट के बाद हमने निकाला तो इसकी फ्राई हो चुकी थी ये अच्छे से। अब हम इसमें पानी डाल दिए, थोड़ा सा पानी डालकर वेट करेंगे ताकि ये बॉयल आ जाए इसमें। चूँकि मेरी आलू अभी भी नहीं पकी थी तो मैंने इसे एक बार और कवर कर दिया पानी डालकर। कवर करके आलू भी पक जाएगी और मसाले भी अच्छी तरीके से क्रैब के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए अब ये हमें रेडी लग रहा है बिल्कुल। तो अब ऐसे टाइम पे हम इसमें गरम मसाला मिक्स कर दिए और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा बॉयल आन कर और ग्रेवी आपको जितनी चाहिए आप वैसा करके और फिर इसे सर्व करने के लिए निकाल लीजिए। ये बहुत टेस्टी होता है, मेरी बात मानिए और इसे पकाइए और टेस्ट कीजिए। चाहो तो ऐसे ही खाओ और वरना फिर रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए। मुझे तो ये ऐसे ही मज़ा आता है खाने में। सर्व करके रेडी रखा है मैंने, अब मैं इस पर डाइव मारने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब।